कर्नाटक में ये जो बाई इलेक्शन है, एक दो का सवाल नहीं है, एक उसूल का इलेक्शन है। जैसे कि बीजेपी आज कर्नाटक में एक तरफ परसेंटेज का बात चल रहा है और दूसरा तरफ पूरा बीएसए से लेके पूरे ये गफले चल रहे हैं, और ऐसे पार्टी को कैसा वोट देते हैं ये रहेगा। और कांग्रेस ये तो डूबती हुई नैया है, पूरा हिंदुस्तान में ये खत्म होते आ रहा है, अपना वजूद ही खत्म कर ले रहे ये लोग। क्योंकि पहला 5 साल इनको कर्नाटक के आवाम 130 सीट दिए थे, फिर 5 साल में हुकूमत करके फिर 78 को कैसे आ गए, इन्हों खुद खत्म हो रहे। इसलिए हम एक रीजनल पार्टी होते हुए कर्नाटक में जेडीएस पार्टी अपना मजबूती के साथ, जैसा फार्मर्स का इश्यू है, कुमार स्वामी जी 14 महीने के अंदर 24,000 करोड़ फार्मर्स का लोन वे ऑफ करे, उतना ही नहीं गरीबों का पेंशन से लेके हर चीज जो है ना कुमार स्वामी जी करे। तो इस मुद्दे पे मैं बोला ना, उसूल का इलेक्शन है। आज बसवा कल्याण से एक आवाज जाना है कि हम रीजनल पार्टी के साथ है, ये दोनों नेशनल पार्टी लोगों को, जैसा बीजेपी के 25 MP है, 25 MP हमारे कर्नाटक के लिए कौन सा योजना को कितना पैसा लेके आए। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। और माननीय प्रधानमंत्री को कितने बार जाके कर्नाटक का मसलों से जो है ना बात करें, इसलिए आज हर जगह रीजनल पार्टी का हवा चल रहा है। आज कर्नाटक में भी एक रीजनल पार्टी को वोट दे के यहाँ का जो कैंडिडेट पहले के बाई इलेक्शन के थे अशरफ अली, आज अच्छा काम कर रहे उन्होंने, और उनको और रीजनल पार्टी और कुमार स्वामी को जो है ना हाथ मजबूत करने का अपील हम करें। कल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंपेन प्रोग्राम हो गया है, जिसमें कांग्रेस के लीडर ने कहा कि अगर आप जेडीएस को वोट देते हैं तो आपको और कचरे भी दे सकता है। देखो तो इस बयान पर क्या, देखिए कांग्रेस के पास खुद का वजूद तो रहेगा नहीं, उनका खुद का वजूद 130 से 78 लाए, सो हम हिंदुस्तान में परसों 5 स्टेट के इलेक्शन हो गए, एक में भी जीते नहीं, उन्होंने एक में मेजोरिटी नहीं आया। जैसा यूपी 403 में 2 सीट आए इनका, इनका वजूद इनको क्या हम बात करेंगे। आज कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन में 2023 में लोग बताएंगे इनको इनका और इधर क्या हाल है। तो मैं वही बोला, कचरा का डब्बा नहीं, कांग्रेस में वोट, कांग्रेस को वोट दिए तो सूखी बौड़ी में डाले जैसा है, सूखी बौड़ी में। क्योंकि यूपी में ऐसे हुआ, कितने सीट पे डिपॉजिट लॉस कर लिए बोलो। इसलिए ज्यादा आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप पत्रकार है, कांग्रेस को कल सुबह जाके बात करो। मंडपा साहब बोल रहे थे ये 3 साल तुम मेजर अपोजिशन पार्टी वाले है, विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ में कितने हगरणा स्कैंडल्स लाके जो है ना एक लॉजिक एंड तक ले जाके उनको फंसाए। जरा एक एग्जांपल बताओ, मैं भी डिप्टी लीडर हो हाउस का, ये बीजेपी के साथ मिली भगत करके जो है ना दूसरों को जो है परेशान करने की बात है। आज हिजाब से लेके दुकान से लेके हलाल कट तक अगर दमके के साथ कोई बात करे तो सिर्फ कुमार स्वामी बात करे, कोई कांग्रेस का लीडर बात नहीं करे, मालूम है। इसलिए आने वाले दिन रीजनल पार्टी हमारे कुमार स्वामी जी के तहत में जो है ना अच्छा माहौल बनते जा रहा है। आज बीदर से लेके चामराजनगर तक, आज आपको मालूम है हमारे पार्टी में जो है ना CM इब्राहिम जी सदर बने सो है, उनके नेतृत्व में भी अच्छा है। अभी उन्होंने बोले पहला सभा उन्होंने बसवन बागेवाड़ी में कर रहे, नेक्स्ट सभा बसवा कल्याण से शुरू कर रहे उन्होंने, तभी भी हम आएंगे। तो ये बाई इलेक्शन में उसूल के साथ हमारे पार्टी को वोट देना बोल के आपके जरिए मैं लोगों से अपील करता हूँ।
जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर खाली आपस में क्या है इल्ज़ाम लगाती जा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी पार्टी का डेवलपमेंट के ऊपर किसी के लोगों के भलाई के ऊपर कोई बात नहीं हो पा रही है। देखिए कास्ट पे या फिर पार्टी के आपस में देखिए, बोलना तो सबका ये है मगर समझ के लोग अपना हक डालना उनके हाथ में है। हम तो अभी बोल रहे हैं ना, अभी पहला हम लोग आए जब सरकार में रहे, जब कितने जैसा यहाँ पर ही स्लम बोर्ड से जो इसके थे, मैं खुद मिनिस्टर था 18 में, 2000 घर यहाँ पे शांक्षण कर रहे थे हम लोग। तो ऐसा अपना अपना ख्यालात रखते मगर अल्टीमेटली लोगों का हक में होता है कौन ठीक बोल रहे हैं कौन गलत बोल रहे हैं। इसलिए हम तो अपने JDS के तरफ से पहले से लोगों का खासकर का गरीबों का सेवा करते हुए आ रहे, आगे भी करते हैं। हमको यकीन है कि लोग हमारा हाथ पकड़ते हैं। कल यहाँ पे BJP का प्रोग्राम हो गया, BJP जो MLA साहब ने कहा था कि गली से लेकर दिल्ली तक पूरी हुकूमत तो भाजपा की है, BJP की है। देखो तो यहाँ पे दूसरी पार्टी को वोट देना देखिए देखिए एक बात बोलता तो आपको, ये जो डबल इंजन का सरकार है, क्या बोलते हैं सिंगल नहीं डबल इंजन का सरकार है, कितना दिल्ली से पैसा यहाँ पे आया सोए जरा कल सुबह बताओ, बोलो उनको, बोलने को तो भाषण आ रहा, क्या बोलते कितना नीरावरी प्रोजेक्ट को, कितना फार्मर्स को, हाँ कितना कितना दिए दिल्ली से इधर तक, हाँ जरा वो भी बताओ बोलो। ये डबल इंजन सरकार जो है ना, इनके पास ना पेट्रोल है ना डीजल है, झटका इंजन हो गए, चलने को तैयार नहीं है, मालूम है झटका इंजन हो गया। इसलिए कल सुबह जो है ना उनको पूरा दिल्ली से कितने लेके आए उतना बताओ। धर्म प्रकाश गल्ले में 500 घर देने का दावा किया है MLA साहब ने, ये कहाँ तक सही है? देखिए एक बात बोल सुनिए, एक तो ये सरकार 3 साल हम रहे जब भी नहीं दिए, पिछले सरकार में जो पेंडिंग्स थे अभी वही सेटरेट नहीं हो गए, पंचायत को 30-40-50 घर आए सो अभी तक वो सेटरेट नहीं हो गए। वो मैं भी एक MLA हूँ, क्या बोलते अभी गांव में जो है ना ये ठीक से जो है ना, क्यों 500 क्यों 2000 घर तो हम दिए सो है यहाँ पे, हाँ 2300 घर मैं मिनिस्टर है जब वहाँ पे जो है ना बात करके बीदर को 4000 और यहाँ पे 2300 घर, मान लो स्लम बोर्ड से तो वो रेगुलर प्रोसेस है, इन्हों लाने का जरूरत नहीं, कौन सा MLA रहे तो भी आ जाते हो। इसलिए ये इलेक्शन उसूल का इलेक्शन है, उसूल ऐसा जाता है कि JDS को जाता है। यहाँ की जो 25 नंबर वार्ड की जो आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? इतना ही मैं आवाम को बोलना चाहता हूँ कि उसूलन की JDS पार्टी को आप सपोर्ट करिए, आने वाले दिन कर्नाटक को एक मैसेज जाता, ये 40% ये डूबते हुए नहीं आ, ये दोनों को जो है ना बाहर रह के एक रीजनल पार्टी को जो है ना बसो कल्याण से हम डंके के जोड़ पे जिताए, ये पूरा कर्नाटक को मैसेज आता है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल।